दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे आविष्कार के बारे में बताऊंगा जिसे भारत के कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा ही बनाया गया है और यह हमारे किसानों की बहुत बड़ी समस्या को दूर कर सकता है। जैसे कि आप सभी को पता है, फसलों की अच्छी पैदावार एवं ग्रोथ के लिए हम उसमें अधिक मात्रा में दानेदार यूरिया का प्रयोग करते हैं, जिसे प्रयोग करते समय हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ ये हल्का सा महंगा भी पड़ता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर के बारे में, जिसे इफको के नैनो बायो टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कल्लोल गुजरात के वैज्ञानिकों द्वारा बहुत दिनों के मेहनत और रिसर्च के द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों यह पूरी तरह से स्वदेशी फर्टिलाइजर है जिसे हम खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इस नैनो यूरिया फर्टिलाइजर की खासियत यह है कि यह जितने एरिया में आप एक बोरी दानेदार यूरिया का खाद छिड़कते हो उतने में ही एक बाटा नैनो यूरिया का स्प्रे करना होता है, जो कि 500 ml का होता है। मतलब यह है कि एक बोरी यूरिया में जितना नाइट्रोजन हमें प्राप्त होता है उतना ही नाइट्रोजन हमें 500 ml नैनो यूरिया के बोतल से प्राप्त हो जाता है। दोस्तों नैनो यूरिया में नाइट्रोजन की कण बहुत ही सूक्ष्म आकार के होते हैं, इसी कारण से नैनो यूरिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नैनो यूरिया नाइट्रोजन का एक प्रमुख स्रोत माना जा सकता है, क्योंकि पौधों में इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का निर्माण एवं पौधों की अच्छी ग्रोथ और विकास करने में यह उपयोगी होता है। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि जिस यूरिया का प्रयोग अभी हम कर रहे हैं उसे पौधों के जड़ों पर ही देना पड़ता है, और कई बार ऐसा होता है कि इन पौधों के जड़ों द्वारा इन यूरिया का प्रयोग अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाता, जिससे कि हमारे बहुत सारे यूरिया नष्ट हो जाते हैं और व्यर्थ ही चले जाते हैं। परंतु दोस्तों इस नैनो यूरिया को जड़ों के बजाय हम पत्तियों पर इनका स्प्रे करते हैं और पत्तियों द्वारा इसे अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण कर लिया जाता है। दोस्तों इसे फसल में छिड़काव करने का उचित समय जब फसल छोटे अवस्था में होता है तब इसका छिड़काव करना सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। समय पौधे द्वारा इनकी अवशोषण क्षमता 80% से भी अधिक होती है, जो कि सामान्य यूरिया की तुलना में अधिक पाई गई है, और इन फसलों की उपज में औसतन 8% की वृद्धि भी देखी गई है। दोस्तों इस नैनो यूरिया को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा 20 से अधिक रिसर्च सेंटर में 94 से अधिक फसलों पर इसका ट्रायल किया गया है। दोस्तों नैनो यूरिया की पारंपरिक यूरिया की तुलना में लगभग 50% इसकी मात्रा को कम कर देगा। और दोस्तों यह पर्यावरण अनुकूल उत्पाद भी है, मतलब यह मिट्टी हवा और पानी को प्रदूषण नहीं करेगा। और दोस्तों किसानों के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका दाम अन्य यूरिया की तुलना में 10% तक कम है, मतलब इसके 500 ml बोतल की कीमत 240 रुपया है, जो कि अन्य यूरिया की तुलना में कम है। तो दोस्तों यह जानकारी जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट और नॉलेज जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।